पटना का यही वो पीएमसीएच अस्पताल है जहां हुंकार रैली में हुए धमाकों में घायलों का इलाज हो रहा है। रैली में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज हो रहा है। हालांकि ज्यादातर मरीज पीएमसीएच में ही हैं। पीएमसीएच में डॉक्टर घायलों के इलाज में पूरी जी जान से जुटे हैं। धमाकों में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एक घायल ने आज दम तोड़ दिया। 5 घायलों की हालत नाजुक है जिनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। स्थिति बिल्कुल अब नियंत्रण में है और सभी मरीज अभी अच्छे हो रहे हैं। 8 को अभी सुबह सुबह हम लोग छोड़ेंगे, उनका डिस्चार्ज टिकट बन गया है। 30 मरीज बचेंगे जिनमें 5 अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन उनमें कल से क्रमिक सुधार हुआ है। अस्पताल में मरीजों का हाल जानने के लिए उनके रिश्तेदारों के अलावा तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं। मरीजों के रिश्तेदारों को अपने लोगों का हाल जानने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते दिखे। इंतजामों को लेकर लोग नाखुश दिखे। यहाँ पीएमसीएच में कल भी और आज भी यहाँ बदतर स्थिति है, कोई भी उसका देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि एक पेशेंट जो बीएमपी जवान का जो बम दस्ता का था, उसको मैं खोज रहा हूँ, लगातार खोज रहा हूँ, वह मिल नहीं रहा, किसी भी रिकॉर्ड में नहीं मिल पा रहा। धमाकों के बाद कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच अस्पताल जाकर भर्ती घायलों से मुलाकात की थी। नीतीश ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया और घायलों के इलाज का भी वादा किया। हालांकि लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। सवाल यही है कि क्या इन मुआवजों से मारे गए लोगों के घर वालों के जख्म भर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।